श्री गुरुभ्यो नमः संस्कृतकक्षायां भवतां भवतीनां च पुनरेकवारं हार्दं स्वागतम् अद्य वयं भास्वती इति पुस्तकस्य नत्वं शोचितुमर्हसि इति पाठस्य अवशिष्टांशं पठिष्यामः दशश्लोकाः अस्माभिः पठिताः पूर्वं कक्षायां ये श्लोका पठिता तान श्लोकान अतिरिच्य अद्य अग्रे ये अवशिष्टा श्लोका सी तान श्लोकान पठिष्याम तत्र तदेवम अभिनिष्क्रांतम नमाम् शोचितुमर्हसि भूवापि चिरा श्लेष काले न, न भविष्य पीछे कहा था कि हम इस वन में क्यों प्रवेश किए हैं तपोवन में क्यों आए हुए हैं उसका उद्देश्य बताया था अब बता रहे हैं कि तपोवन जाना उचित है हमारा इस बात को इस श्लोक में कहा है इसके अन्वय को हम देखते हैं तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा तद एव माम मोचि न अर्हसी चिरम् न भविष्यति कह रहे हैं तद एव अभिनीक्रांत इस प्रकार से मैं घर छोड़ करके चला आया हूँ ऐसा देख करके ऐसा समझ करके अगर आप हमारे विषय में सोच करने लगें चिंतन करने लगें या चिंता करें दुखी हूँ, तो एक तत्त शोचितुम न अरहसी यह शोक करना उचित नहीं है शुच धातु से तुमन प्रत्यय करेंगे तो शोचितुम यह रूप बनता है इस किसी भी धातु में अगर हम तुमुन करेंगे तो ऐसे रूप बनेंगे जैसे शोचितुम पठितुम लिखितुम गंतुम हसीितुम ऐसे तो शोचितुम न अर्सी शोक करने उचित नहीं है शोक करने योग्य नहीं क्यों कहते हैं तो ही कालेनुभूतवा अपी हम बहुत समय तक साथ में रहें तो भी जीवन पर्यंत किसी का साथ में रहना संभव नहीं है किसी ना किसी मोड़ पर जीवन के किसी ना किसी अवस्था में व्यक्ति साथ छोड़ कर चला ही जाता है चाहे कितने ही घनिष्ठ स्वजन ये माता पिता से ज़्यादा घनिष्ठ कोई नहीं हो पाता जिन्होंने हमें जन्म दिया जिनके शरीर का एक एक अवयव हमारे शरीर में जुड़ा हुआ है बना हुआ है उनके शरीर से लेकिन वो भी समय से पहले या समय से बाद या जीवन के किसी अन्य पथ पर छोड़ के चले जाते हैं तो कहना ये चाह रहे हैं कि कालेन भूतत्व अपी बहुत काल तक हम अगर किसी के साथ रह भी लें तो ये संबंध ये व्यवहार शाश्वत नहीं है निरंतर चलने वाले नहीं हैं इसलिए कहते हैं कि कालेन भूतत्व अपी श्लेष चिरम न भविष्य जो श्लेष है जो संबंध है जो जुड़ाव है लगाव है ये चिरकाल पर्यंत अर्थ है बहुत काल पर्यंत नहीं रहते किसी ना किसी समय में टूट ही जाते हैं हम बचपन में थे हमारे दोस्त अलग थे मिडिल क्लास में हुए उस समय दोस्त अलग हुए हायर स्तर में गए उस समय अलग दोस्त उच्च शिक्षा में गए पीएचडी में गए और सर्विस में आ गए तो हम अपने जीवन को ही देखें सारा स्तर पूरे जीवन में उथल पुथल सब होता रहता है तो कोई भी संबंध कोई भी व्यवहार शाश्वत नहीं है निरंतर चलने वाला नहीं है तो जब चिरकाल तक कोई व्यवहार चलने वाला नहीं है ये हम जानते हैं तो क्यों ना हम उस आत्म तत्व की खोज करें जो शाश्वत है और इस जीवन को प्राप्त करके हम उसे क्यों ना पाएं जो स्थिर है ध्रुव है अटल है निश्चित है और शाश्वत है उसी शाश्वत की खोज में राजकुमार सिद्धार्थ घर को छोड़कर आ गए हैं तपोवन में प्रवेश कर रहे हैं इस बात को इस श्लोक में कहा गया है अगला श्लोक हम देखते हैं ध्रुवो यस्माच्च विश्लेष तस्मान मोक्षाय मे विप्रयोगह विप्रयोग कथम न सद स्वजनादिति इस श्लोक में हेतु बता रहे हैं कि कानन में तपोवन में प्रवेश करने का हेतु क्या है क्यों इसका अन्वय देखते हैं तो ज़्यादा स्पष्ट होगा अन्वय इस प्रकार है यस्मात् स्वजनात् च विश्लेष ध्रुव तस्मात् मोक्षाय भूय अपि विप्रयोगः कथम न इति मे मति हेतु दे रहे हैं यतो ही क्योंकि स्वजनात् स्वजन से स्वयजन स्वजन स्वजनात् स्वजन का अर्थ होता है अपने लोग स्व अपना जन माने लोक यहाँ एक ध्यान देना चाहिए छात्रों को स्व अगर दंत्य सा लिखते हैं सरोता वाला जो सा होता है वो सा अगर लिखते हैं स्व में तो उसका अर्थ होता है स्वयं निज का वाचक होता है और अगर शंकर शिव लिखने वाला जो श होता है तालब्य शकार बोलते हैं अगर इसका प्रयोग करते हैं तो श्वा इसे श्वा का अर्थ हो जाता है कुत्ता तो स्वजन अर्थात अपने लोग और स्वजन अगर कह दिया तो का अर्थ क्या हो जाएगा कुत्ते लोग ये सकार के उच्चारण में बदल देने से अर्थ का परिवर्तन हो जाता है अर्थ बदल जाता है तो जहाँ भी लिखते हैं या बोलते हैं तो इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए तो स्वजनात अपने लोगों से विश्लेष ध्रुव विश्लेष विश्लेष का अर्थ है अपायो विश्लेष अर्थात अलग होना किसी से हम दूर हों इसे विश्लेष या वियोग कहा जाता है संयोग वियोग आपने सुना होगा वियोग अर्थात अलग होना हम हाथ पकड़ के रखे हैं और ऐसा किया इसे ही विश्लेष कहते हैं तो अब यहाँ ये देखते हैं कि अपने लोगों से भी अपने बंधु बांधव भाई नातेदार रिश्तेदार सबसे वियोग होना स्वाभाविक है अलग होना ही पड़ता है तो अगर निश्चित है ध्रुव अर्थात निश्चित है, बदला नहीं जा सकता ध्रुव अर्थात निश्चय के लिए कहा कि निश्चित है स्वजनों से भी कितने भी घनिष्ठ और प्रिय लोग हों उनसे वियोग होना अलग होना निश्चित ही है तो क्यों ना किसी अच्छे काम के लिए हम अलग हो जाएं, जैसे हमारे पास धन हो और हम उस पैसे को दो तरह से उपयोग में ले सकते हैं या तो पूजा पाठ में लगा दें किसी ज़रूरतमंद को दे दें जिसे आवश्यकता है गरीब है उसे हम दे दें दान कर दिया हमने तो दान करना अच्छा माना जाता है इसे सदुपयोग कहते हैं इसी तरह हम उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं जुआ खेल लिया इधर उधर किसी नशे में दे दिया तो वो दुरुपयोग हो जाएगा तो क्यों ना अगर हमारे पास धन है तो उसे हम सदुपयोग करें यही बात राजकुमार कहते हैं कि यह जो जीवन मिला है बार बार मिलेगा किस रूप में मिलेगा ये तो निश्चित नहीं है लेकिन अगर ये मानव जीवन मिला ही है तो इसे क्यों ना हम मोक्ष के लिए प्रयोग करें क्यों ना हम इसे सत्कार्य के लिए प्रयोग कर लें तो यदि अपने आत्मीय लोगों से वियोग होना निश्चित ही है तो मोक्षाय भूय अपि विप्रयोग कथम न पुनः यह जो वियोग है यह वियोग मोक्ष के लिए हो जाए मोक्ष के लिए हम संसारिक लोगों से अपने स्वजनों से दूर हो जाएं, इति मे मति ही। ये मेरा मानना है मति ही का अर्थ है बुद्धि ऐसा मेरा मानना है मैं ऐसा मानता हूं इति में मनीषा मेरी बुद्धि है ऐसा मेरा विचार है ये बात सिद्धार्थ ने अपने सारथी से कहा और यही कहते हुए आगे कहते हैं यद्यपि स्यादमय या तो वन मशाविति अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सती धर्म करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं करना इस बात को बतला रहे हैं इस श्लोक का अन्वय हम देखते हैं पहले यदपि असौ असम वन इति चंचले जीविते सति धर्म से अकाल नास्ती थोड़ा सा मन में ये कष्ट होता है माता पिता लोगों को कि हमारा बच्चा जिस युवावस्था में उसे समाज के अलग अलग कार्य करना चाहिए हर किसी की अभिलाषा होती है कि उसका पुत्र हो उसकी बहू हो बेटे हों अच्छा फला फूला परिवार हो और सब आपस में मिल के रह रहे हों लेकिन अगर उसी समय बड़ा लड़का घर छोड़ के चलने की बात करने लगे उसे वैराग्य हो जाए वो कहे कि हम पहाड़ में जंगलों में बैठ के तपस्या करेंगे और करेंगे नहीं कहना ही नहीं करना शुरू कर दे फिर तो बड़ा कठिन होता है हृदय पे माता पिता को पत्थर रखने जैसा असह्य वेदना होती है ये बात यहाँ कह रहे हैं कि ये समय यद्यपि उचित नहीं है यद्यपि असमय न सममय इति असमय तस्मिन असमय असौ असमय यह जो काल है इस समय में वनम यातः कदाचित समुचित न प्रतिभाति हो सकता है कि वन में आना इस समय उचित ना हो लेकिन मैं जिस दृष्टि से देख रहा हूँ मुझे लगता है कि वन में आना उचित है क्यों कहते हैं चंचले जीविते सती हेतु दे रहे हैं सती सप्तमी लगा रहे हैं जो जीवन है जीवित का अर्थ यहां जीवन लिया गया जीवन जो है चंचल है चंचल होने का तात्पर्य है स्थिर नहीं है अस्थिर है आज हम स्वस्थ हैं अच्छे हैं बोल रहे हैं कल कौन सा रोग आए कौन सी घटना घटे हम बोलने में समर्थ हों कि नहीं चलने में समर्थ हों कि नहीं कोई नहीं जानता इसे ही कहा जाता है कि जीवन चंचल है किस घटना के बाद किस पल दुनिया बदल जाएगी पता नहीं होता है तो इस जो चंचल जीवन को प्राप्त करके क्यों ना जब हम समर्थ हैं उसी समय धर्म कार्य में लग जाएं धार्मिक बन जाएं ये बात कहते हैं कि चंचले जीवित सती धर्म से अकाल धर्म के लिए कोई काल निश्चित नकाल इति अकाल काल निश्चित नहीं है जिस वेज जिस समय जिस वेला में यह ज्ञान हो जाए कि हमें धर्म कार्य करना है हमें श्रेष्ठ कार्य करना है हमारे जीवन का यह उद्देश्य है उसी समय उस कार्य को प्रारंभ कर देना चाहिए उसके लिए मुहूर्त की या आने वाले समय की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए अगले श्लोक में कहते हैं एवमादित त्वया सौम्य विज्ञाप्यो वसुधाधिप प्रयते यथा माम न स्मरेदी इस श्लोक में बड़ी अच्छी बात कही कि सारथी को कर्तव्य बता रहे हैं कि तुम्हें जाकर करना क्या है इसके लिए हम अन्वय देखते हैं हे सौम्य त्वया एवि वसुधाधि विज्ञाप्य अभी एव प्रयते था माम न स्मरेत हे सौम्य सारथी को संबोधित कर रहे हैं सुंदर मन वाले को सौम्य का संबोधन किया जाता है जैसे हे कल्याणी हे भद्रे ऐसा ही एक संबोधन है हे सौम्य हे सारथी के लिए यहाँ संबोधन है कि त्वया एव आदि जिस प्रकार से हमने तुम्हें बहुत सारी बातें समझाई है जीवन नश्वर है जीवन का उद्देश्य क्या है हम वन क्यों जा रहे हैं बहुत सारी बातें उन्होंने बताया तो इसी प्रकार से वसुधा अधिपह विज्ञाप्य वसुधा के अधिपति वसुधाया अधिपह वसुधा अधिप अर्थात राजा अधिप का अर्थ स्वामी राजा होता है तो वसुधा के जो अधिप हैं हमारे पिताजी जो पूज्य पिता हैं उनको विज्ञाप्य बताना है वसुधाया अधिपह वसुधा अधिपह वसुधा का जो अधिप अर्थात स्वामी राजा तो जैसे नृपति कहते हैं लोगों के स्वामी वैसे ही वसुधाया अधिपह वसुधा अधिपह षी समास होता है यहाँ पे तो जो उनके पिता हैं पिता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं यहाँ विज्ञाप्य ये क्रियापद है और इसका जो कर्म बन रहा है तो वसुधाधिप यह कर्म बन रहा है तो वसुधाधिप को बताना है तो त्वया कर्तृपद है तुम्हारे द्वारा बताया जाना चाहिए क्या बताना है तो कहा एवमादि जिस प्रकार से हमने आपको बताया समझाया उसी प्रकार से पिता को तुम्हें भी समझाना है और अपिच तथा एवं प्रयतेथा और भी ऐसे बहुत सारे प्रयास करना है प्रयत था का प्रयत्न करना ये अर्थ बता रहे हैं तो मध्यम पुरुष का प्रयोग कर रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा विविध यत्न किए जाने हैं यथा माम न स्मरेत जिससे कि वो मुझे याद ना करें मुझे भूल जाएं अगर मुझे याद करते रहेंगे तो दुखी होते रहेंगे तो वो हमको भूल जाएं ऐसा तुम्हें बार बार कुछ ना कुछ प्रयत्न करना है और अगले श्लोक में भी यही बात कहते हैं अपि नैरगुण्यमस्माकम् वाच्य नरपत त्वया नैरगुण्यात्यज्यते स्नेहः स्नेह स्नेगा न अन्वय इस प्रकार है त्वया अपि नरपतौ अस्माक नैर्गुण्यम वाच्यम नैर्गुण्या स्नेह त्यज्य स्नेहत्यागत न शोच्य उसी बात को कहते हैं कि त्वया अपि अस्माक नैर्गुण्यम वाच्यम क्या होता है जब हम किसी के बारे में उसके कुछ दोषों को सुनते हैं तो हमें उससे प्रेम नहीं होता लगाव नहीं रहता जब हम किसी के गुणों को सुनते हैं तो उसमें हम आकृष्ट हो जाते हैं जैसे बहुत अच्छा मोबाइल हमने सुनाओ हो इसमें ये फ़ीचर्स हैं ऐसा तो हम सोचते हैं कि मेरे पास होना चाहिए उस वस्तु से प्रेम होने लगता है बहुत अच्छा गाना सुना उससे प्रेम होने लगता है वो अपने पास हम रख लेते हैं लेकिन अगर उसी में बता दिया जाता ये बहुत रेडिएशन करने वाला है इससे बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है तो अगर हमारे पास रहता भी है तो स्विच ऑफ करके हम दूर हटा देते हैं और अगर वो कहीं घातक है तो फिर तो हम उठा के डिब्बे में फेंक के आ जाते हैं ये हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है अगर हमारे लिए सुखद है लाभकारी है तो अच्छा तो सारथी को ये बतना बतलाना चाह रहे हैं कि अस्माकम नैगुण्यम वाच्य हमारे दोषों को तुम बताना अगर हमारे गुणों को बताओगे तो हमें याद करेंगे वो बड़ा अच्छा था छोड़ के चला गया लेकिन अगर दोषों को बताओगे तो हो किसी काम का नहीं था राज नहीं कर पाता या बहुत सारे तो वो ठीक है चला गया कोई बात ऐसा एक मन में भाव आएगा और इस भाव से वो चिंता नहीं करेंगे ज़्यादा कष्ट में नहीं जाएंगे तो त्वया अपी नरपतऊ नरपति शब्द का सप्तमी का एक है वचन है नाराणाम पति ही नरपति पहले षष्ठी समास उसके बाद सप्तमी का एक वचन नरपत नरपति के पुरतः ऐसा कहना है अस्माकम नैर्गुण्यम वाच्यम हमारा नैर्गुण्य वहाँ पे बताना इससे होगा क्या तो कहते हैं नैर्गुण्यात स्नेह त्यज्यते निर्गुण पदार्थ को निर्गुण स्थिति को जानने के बाद दोषों को जानने के बाद स्नेह कम होगा प्रेम कम हो जाएगा और स्नेहत त्याग स्नेह से त्याग स्नेह त्याग अगर स्नेह का त्याग हो जाएगा तो न शोक नहीं करेंगे हमारे बारे में ज़्यादा चिंतन नहीं करेंगे तो वो थोड़ा शांत रहेंगे सुखी रहेंगे राज्य के कार्यभार को देखेंगे और अगर सदा मेरा चिंतन करते रहेंगे तो राज्य की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी छिन्न भिन्न हो जाएगी इसी बात को सोच करके राजकुमार चाहते हैं सिद्धार्थ बार बार कहते हैं कि हमारे पिता को हम जो देश के राजा हैं उनको ये बात समझाना जिससे कि वो मुझे भूल जाए ऐसे अलग अलग यत्न करना जिस प्रयास के द्वारा वो हमको भुला दें हर समय याद न करते रहें इस प्रकार से हमने इन श्लोकों के अर्थ को जाना और इनके शब्दार्थों के साथ अन्वय और व्याख्या को सुना छात्रों इसके विशिष्ट अर्थ को और हम अभ्यास के लिए देखेंगे कुछ शब्द आए हैं जिनके प्रकृति प्रत्ययों को हमें जानना चाहिए जिसे हम शब्दार्थाह के अंतर्गत देख रहे हैं जैसे हम देख रहे हैं शब्दार्थाह के अंतर्गत शोचितुम ये पद है शुच धातु है प्लस तुमन प्रत्यय है और इसका अर्थ है शोक करने के लिए इस तरह के हम और भी सारे शब्द बना सकते हैं फिलहाल हम आए हुए पाठ में शब्दों को देख रहे हैं और सभी शब्दों का अभ्यास करेंगे इसी तरह अन्य शब्द जो देख रहे हैं इनका हमें अभ्यास करना है साथ में संधि विच्छेद के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं जगत चक्षुषी एक पद है जो पहले ही श्लोक में आया हुआ है ये जगत चक्षुषी जगत प्लस चक्षुषी लिखा हुआ है अब यहाँ पर स्चुत्व संधि हुई है स्चुत्व संधि होने के कारण ताको चा हो गया ऐसे ही संधियों को अलग अलग करके आगे के शब्द भी लिखे गए हैं जो हम सामने देख रहे हैं हमें इन संधियों को पहचानना है और अपने कापी पर उन्हें अलग अलग करके लिखना भी है इसी क्रम में अभ्यास के हम प्रश्न देख रहे हैं पहला प्रश्न है एक पदे न उत्तरत अयम पाठ कस्मात्ंथात संकलित यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है अर्थात लिया गया है इसका उत्तर है बुद्ध चरितम एक ही पद के द्वारा उत्तर दिया गया ऐसे ही सभी प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी कापी में लिखना है और याद करना है अगला प्रश्न हम देख रहे हैं पूर्णवाक्यन उत्तरत स्वस्य जनस्य विपर्य का स्थिति ही भवती अपने जन के विपर्य हो जाने पर क्या स्थिति होती है इस प्रश्न का उत्तर छ नंबर श्लोक में आया हुआ है ध्यान ये रहे जितने भी यहाँ प्रश्न आ रहे हैं सभी पीछे किसी ना किसी श्लोक में हमने पढ़ा और उनके उत्तर को हमें वहाँ से ढूंढकर कर लिखना है अगला प्रश्न है अधोलिखितेशु संधिम कुरुत त्यागात प्लस न संधि करेंगे तो ता को न हो जाएगा त्यागान न यह उच्चारण होगा यरो अनुनासिक अनुनासिको वा हमने पढ़ा था उससे अनुनासिक हो जाता है तो ताको ना हो जाता ऐसे ही आगे के शब्दों को भी हमें सूत्रों के साथ में अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिखना है अगला प्रश्न है अधोलिखितु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत जैसे सुप्त अब यहाँ पे स्वप धातु है स्वप धातु से अक्ता प्रत्यय करने पर सुप्तः यह रूप बनता है ऐसे ही अन्य शब्दों के भी प्रत्ययों का हमें ज्ञान करना है अगला प्रश्न है अधोलिखित श्लोक यो हिंदी आंग्ल भाषया अनुवाद कार्य जो श्लोक हम देख रहे हैं इन श्लोकों का जैसा भी पीछे हमने पढ़ा उसके आधार पर ही अर्थ लिखना है और हिंदी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा जिसमें आपको सुलभ लगे उस भाषा में इसका श्लोक लिख सकते हैं और अपने अध्यापक को चेक कराएंगे अगला प्रश्न है नम शोचितुम अर्हसी इति पाठस्य सारा अंश मातृभाषया लेखनीय हमने यह जो पाठ पढ़ा है इस पाठ का सारांश जो मूल है हमने श्लोकों में पढ़ा इसको गद्य रूप में हमें अपने मातृभाषा में लिखना है हमारी जो भी मातृभाषा हो हिंदी संस्कृत उड़िया या अन्य कोई भाषा सभी में हम अपनी मातृभाषा में इसे कहानी के रूप में लिखेंगे अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानी पूरयत जो हम देख रहे हैं रिक्त स्थानों को पूरा करना है जैसे पहला है नत्वम डैश डैश अर्हसी तो जो रिक्त स्थान है वहाँ शोचितुम यह पद आएगा इसी तरह अन्य पदों को भी लिखना है अगला प्रश्न है विशेष्य विशेषण यो योजनम कुरुत विशेष्य और विशेषण का इसमें योजन जोड़ना है जो हम देख रहे हैं पहला पद है भास्करे तो भास्करे का संबंध हम देखेंगे कहाँ है तो पीछे श्लोक में आ चुका है जगत चक्षुषी उसके साथ हम जोड़ी मिला देंगे जोड़ी बनाने जैसा ही यहाँ पर है जनह इसका संबंध जो होगा अभिमुख मणिम का संबंध भास्वरम जीविते चंचले और माम अभिनिष्क्रांतम ऐसी जोड़ी हमें बनाना है और अभ्यास करना है अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम विग्रह पदानि आधृत्य समस्त पदानि रचयत यह अभ्यास प्रश्न है हम देख रहे हैं पहला लिखा हुआ शब्द है न स्निग्ध और आगे लिखे हैं अस्निग्ध इसी तरह आदित्यन सह सादित्य और बाकी जो शेष हैं उन्हें हमें पुस्तक की सहायता से लिखना है अंतिम अभ्यास का प्रश्न है अधोलिखित पदा विपरीतार्थक पद ही मेलनम कुरुत विपरीतार्थक पदों से इन्हें मिलाना है जैसे सुप्त जागृत अवतीर्य आरुह्य स्वजन परजन नृप रंक तो इस प्रकार से हमने नत्व शोचित अर् इस पाठ को पढ़ा और पढ़ने के साथ साथ अभ्यास भी किया आपका कर्तव्य है कि इस पाठ को अपनी पुस्तक में जैसा आपने समझा उसके अनुसार लिखें और अपने अध्यापक को दिखा करके उसके विषय में वार्तालाप करें उनसे डिस्कस करें आज की कक्षा में हम इतना ही अगली कक्षा में हम अगले पाठ को पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद